ऋषि तकरीबन 7 साल के बाद में गांव गया था। मामा जी से मिलके बहुत ही खुश था। गांव के अड़ियल और कच्चे रास्तों पर ऋषि के मामा जी की जीप फर्राटे से चल रही थी। इस रात के वक्त रास्ते भर बातें करते करते घर पहुंचकर खा पी के बैठ के मामा जी ने ऋषि को गांव की एक से बढ़कर एक कहानियां सुनाई। लेकिन एक कहानी थी जिसने ऋषि का सिर्फ ध्यान ही अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो खुद जाकर देखे। वो बात थी मामा जी के घर से 5 मिनट की दूरी पर नदी के उस पार एक लाइब्रेरी की, जो करीबन 30 सालों से बंद थी, क्योंकि वहां भूतों का डेरा था। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है वहां। ऋषि के दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि भूत प्रेतों पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था उसे। जब सब लोग आराम से सो रहे थे, उस वक्त ऋषि रात 1 बजे का अलार्म लगा के सो रहा था कि अलार्म बजते ही उठेगा और वहां उस लाइब्रेरी में रात के अंधेरे में जाके सच क्या है वो देखेगा। ठीक 1 बजे मोबाइल की घंटी का अलार्म बजा और ऋषि आंखें मलता हुआ उठा और उसके बाद चुपचाप छुपता छुपाता सबसे बचता हुआ ऋषि नदी के पास पहुंचा तो हल्की हल्की नदी की बहती हवा और पानी की हल्की आवाजों के साथ मिलके झिंगुरों और सारे जानवरों की आवाजें माहौल की खूबसूरती में डर को शरबत में चीनी की तरह खोल रही थी। देख के लगना तो बहुत अच्छा चाहिए था, लेकिन उल्लुओं और सियारों की आवाजें पूरे माहौल को बेहद डरावना बनाए हुए थी। ऋषि सोच ही रहा था कि उस पार कैसे जाएगा, जब एक आवाज ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। ऋषि ने देखा तो अंधेरे में एक नाव वाला खैनी हथेली से अपने दांतों के बीच रखता हुआ बोला, क्या हुआ बाबूजी, नदी पार करी हो का? हम पार करा दें। ऋषि ने जवाब दिया, हाँ हाँ, जाने के लिए तो आए हैं, नदी पार उस भूतिया लाइब्रेरी में जाना है, चलोगे? नाव वाले ने मुस्कुराकर ऋषि को बैठने का इशारा किया और नाव चल पड़ी। पूरे माहौल में अब ढेर सारी डरावनी आवाजों के साथ नाव की पतवारों की आवाजें भी गूंज रही थी। कुछ आगे नाव पहुंची तो ऋषि ने पानी में हाथ डाला और लहरों में हाथ चलाया ही था, जब नाव वाले ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसे माहौल में फिल्मी ना बनिए, भूत प्रेतों का इलाका है, कहीं कोई हाथ पकड़ के पानी में ना खींच ले। ऋषि जोर से हंसा और बोला, अरे हाथ पकड़ के अंदर पानी में खींच लेगा, तुम गांव वाले ना किसी भी बकवास को मान लेते हो, हा? लेकिन ज्यादा देर तक ऋषि की हंसी टिकी नहीं। सचमुच उसका हाथ पकड़ के किसी ने खींचा और वो पानी के अंदर उस छोटे से तालाब में डूबने लगा और आखिरकार हांफता हुआ ऋषि अपनी नींद से जागा तो देखा घड़ी में टाइम 12:55 का हुआ था। ऋषि ने अलार्म ऑफ किया और उठ के हाथ मुंह धोकर चुपके से कमरे से बाहर निकलकर उस नदी की ओर जाना शुरू किया। तकरीबन 5 मिनट चल के ही ऋषि वहां पहुंच भी गया। बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा थोड़ी देर पहले सपने में देखा था और एक आवाज और आई। ऋषि ने देखा तो उसकी आंखें पथरा सी गईं, क्योंकि उसके सामने वही नाव वाला खड़ा था जो उसे अभी अभी सपने में दिखा था। और उस नाव वाले ने कहा, क्या हुआ बाबूजी, नदी पार करी हो का? हम पार करा दें। ऋषि ने खुद को समझाया, ये सब कुछ बस एक इत्तफाक है, और नाव वाले को जाने से मना करके नदी के किनारे किनारे
कच्ची पगडंडी पे चलने लगा उसी लाइब्रेरी की ओर। ऋषि के बढ़ते हुए कदमों के साथ साथ उसे पतवार के चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने पर ऋषि को लकड़ी का एक कच्चा सा पुल दिखाई दिया। ऋषि रुका तो पतवार की आवाज भी रुक गई। नदी पार करने के लिए जरूर इसी पर से छोटी गाड़ियां, साइकिल और पैदल लोग नदी के उस पार जाया करते होंगे। ऋषि पुलिया पार करने को आगे बढ़ा तो पतवार की आवाजें फिर पीछे पीछे सुनाई देने लगी। पुल के बीचों बीच जहां झूलते हुए पुल काफी नीचे तक आ गए थे, वहां से आती हुई पतवार की आवाज को देखने के लिए ऋषि थोड़ा सा झुका ही था जब देखे हुए सपने का एक और हिस्सा सच हो गया और ऋषि को किसी ने पीछे से ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा पुल से नीचे नदी में गिर गया और डूबने लगा। कोशिश ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि वही नाव वाला किस्मत से वहां पहुंचा और ऋषि को बचा के न सिर्फ बाहर निकाल लाया बल्कि उसे नदी पार कराकर लाइब्रेरी के पास उतारा भी। ऋषि उन्हीं गीले कपड़ों में लाइब्रेरी की ओर चल दिया। पता नहीं क्या सनक उसके सर पे सवार थी। चलते चलते थोड़ी ही दूरी पर अंधेरे में किसी बड़े से पुराने डरावनी महल जैसी वो लाइब्रेरी एक मैदान के कोने में थी। आसपास दूर दूर तक सिर्फ मैदान और खेत ही थे, जैसे कोई रहना नहीं चाहता हो वहां। ऋषि ने ध्यान से देखा तो एक टूटी हुई खिड़की उसे दिखाई दी। उसी टूटी खिड़की से किसी तरह अंदर घुसा। बाहर तो फिर भी हल्की सी रोशनी थी, लेकिन यहां इस लाइब्रेरी के अंदर एकदम से खूब अंधेरा था। कुछ देर ऋषि चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा रहा। जब अंधेरे में आंखें जरा जरा देखने लगी तो एहसास हुआ कि एक कोने से हल्की हल्की रोशनी सी आ रही है। अंधेरे में रोशनी ढूंढने में कितना वक्त लगता है। ऋषि तुरंत उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां से रोशनी आ रही थी और देखा एक कमरे में जहां अंदर लाइट चल रही थी। उसके दीमकों के कुतरे हुए दरवाजे के एक छेद से रोशनी के किरण बाहर आ रही थी। ऋषि ने उस छेद से अंदर की ओर झांका तो देखा पूरा कमरा जगमगा रहा था रोशनी में। और इससे पहले कि ऋषि कुछ और कर पाता, एक हाथ ने आकर उस छेद को और उससे आती उस रोशनी को ढक दिया। ऋषि तुरंत समझ गया कि इस कमरे में जो भी है उसी की वजह से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। दरवाजा बहुत ही बुरे हाल में था। दीमकों ने कुतर कुतर के उसे बिल्कुल भुरभुरा सा किसी बिखर जाने वाले कांच के टुकड़े जैसा बना रखा था। ऋषि ने आधी ही ताकत लगाकर एक लात मारी तो दरवाजा बिल्कुल टूट के न सिर्फ गिरा बल्कि सचमुच बिखर के फर्श पे फैल गया। दरवाजे के ऐसे बिखरने से सालों से जमी हुई धूल और कुतरी हुई लकड़ी का हवा में फैला हुआ बुरादा थोड़ी देर में छटा और इससे ऋषि का खांसना रुका तो उसने अपने सामने देखा। टेबल के साथ लगी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था और एक अजीब सी आवाज कर रहा था। ऋषि का दिल तो उसे पूरी जान लगा के भागने को कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह जम चुका था। सोच नहीं पा रहा था। चाहता तो था कि वहां से भागे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ऋषि वहीं जमे हुए देख रहा था कि वो आदमी कुर्सी से उठा और एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ ऋषि की ओर आने लगा। उसकी वो अजीब सी आवाज बढ़ती जा रही थी।
उस आदमी ने धीमे धीमे दो कदम ही बढ़ाए होंगे जब ऋषि जैसे बेहोशी से जागा और पलट के भागने को दौड़ा, लेकिन ऋषि किसी तरह दोबारा उठकर कमरे से बाहर भागा तो कमरे की रोशनी से बाहर अंधेरे में लकड़ी के फर्नीचर से टकरा के मुंह के बल जोर से गिरा। बहुत तेज चोट लगी थी ऋषि को। उठ के भागना तो दूर, उसके लिए हिलना भी मुश्किल था। सर पे बहुत ज्यादा जोर की चोट लगी थी, पर इस वक्त जान पे भी बनी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अंधेरे में नजर गई एक कोने पे, जहां कुछ फर्नीचर्स ऐसे रखे थे जिसके पीछे आराम से छुपकर ऋषि बैठ सकता था। रेंगते हुए, खुद को घसीटते हुए ऋषि उन फर्नीचर्स के पीछे गया और वहां दुबक के सांस धीमी करके बैठ गया। और उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि वो आदमी इस तरफ ना आए, लेकिन अंधेरे में अब साफ साफ ऋषि देख पा रहा था कि वो आदमी धीमे धीमे ऋषि के ही तरफ आ रहा था। ऋषि एक बार फिर वहीं जम गया। ऋषि चाह कर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था और वो आदमी करीब आता जा रहा था। और ऋषि के देखते देखते ही वो आदमी ऋषि का गला पकड़े हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के जिस कदर देख रहा था, ऋषि की आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था और धीमे धीमे ऋषि बेहोश हो चुका था। ऋषि की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। उस अंधेरी लाइब्रेरी को दिन में ऋषि ने देखा तो अपनी आंखों से उसने हर एक कोने में धूल की एक मोटी परत देखी। लकड़ी के हर टुकड़े को दीमकों ने कुतर के भुरभुरा कर रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ऋषि जिस तरफ से अंदर आया था उस तरफ अब एक भी खिड़की दरवाजा नहीं था। ऋषि ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और भागने में ध्यान दिया और चारों तरफ बस भागता रहा कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। ऋषि जब एक आसानी से तोड़े जा सकने वाले दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था इधर उधर, जब एक कबूतर आकर उसके सामने गिरा। कबूतर बुरी तरह तड़प रहा था, जैसे बस अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। पर फड़फड़ाता हुआ वो कबूतर आखिरकार अपनी जिंदगी से आजाद हो गया और ऋषि उसे देखता हुआ बस मामा जी की कही हुई एक बात को याद करने लगा। उस भूतिया लाइब्रेरी में जिसकी भी मौत आती है उसके ठीक पहले एक कबूतर जरूर मरता है। ऋषि के दिल में इस बात को याद करके एक खोखला सा डर बैठ गया था। उस कबूतर को देखते देखते और मामा जी को याद करते हुए वो वहीं अपना डर पकड़ के रोता हुआ बैठ गया। कितने बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन कुछ ही देर में खुद को संभाला और उठ के बस उस जर्जर हो चुके दरवाजे को तोड़ने ही वाला था, जब वही आवाज एक बार फिर से होने लगी और ऋषि की आंखों के आगे एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा। बेहोश ऋषि की जब आंख खोली तो उसने अपने आप को उसी कमरे में टेबल के ऊपर बंधा हुआ पाया, जिसके सामने
रात को वो आदमी दिखाई दिया था। टेबल पर बंधे हाल में ही ऋषि ने देखा कि वही आदमी खड़ा था। और अब दिन के उजाले में ऋषि ने साफ साफ देखा कि वो कोई और नहीं, उसके मामा जी ही थे। ऋषि के मामा जी उन लोगों में से थे जो समाज के रूढ़िवाद का शिकार हुए थे। उन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि उनकी सोच इस देश के शहरों में भी ना मानी जाती तो उस छोटे से गांव में कैसे कोई मान लेता। वो समलैंगिक थे। इस बंद पड़ी लाइब्रेरी को खुलवाने की बड़ी कोशिशें की थी उन्होंने कि गांव के बच्चों का भला हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और ऊपर से जब गांव वालों ने उन्हें एक लड़के के साथ देख लिया तो उस लड़के के साथ वो भाग के इसी लाइब्रेरी में छुपने आए और यहीं से बाहर घसीट के उन्हें जानवरों की तरह गांव वालों ने इतना मारा कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया था। उनकी लाश वहीं सड़ती रही और चील कौओं और सियारों ने उनका क्रियाकर्म होने लायक भी लाश को न छोड़ा। बंधे हाल में ही ऋषि को एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी। दुनिया वालों ने तो क्या, घर वालों तक ने मुझे नहीं समझा कभी। मेरे बारे में पता चलने के बाद तेरी माँ ने तुझे भी मुझसे दूर रखा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने मुझे नहीं समझा तो मैं भी किसी को नहीं समझूंगा। गांव में आज भी वो लाइब्रेरी बंद पड़ी है। कोई उधर नहीं जाता क्योंकि कहते हैं कि अब वहां एक नहीं दो आत्माएं रहती है।